कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। कल हम जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया ये था कि हम जिस लैंग्वेज को जानते हैं, समझते हैं, जिस लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं, उस लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर नहीं समझता है, है ना? यानी कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर में जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज हो सकता है या फिर होता है। हमने कहा ये था कि जिस अल्फ़ाबेट, सिंबल्स और कॉन्स्टेंट का यूज़ करके जो कोडिंग हम करते हैं उस कोड को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड कहा जाता है। यानी जो कोडिंग एक प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है सर? सोर्स कोड कहा जाता है। और वो सोर्स कोड हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली समझता नहीं है, उस सोर्स कोड को हमारा कंप्यूटर समझने के लिए उसे ट्रांसलेट करता है। क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। किस कोड में ट्रांसलेट करता है? ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। किस कोड में बाबू? ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। तो ये ट्रांसलेशन करने के लिए जिस मशीन या फिर सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है हमारा कंप्यूटर, उस मशीन या सॉफ्टवेयर का नाम है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। क्लियर है? आइए ज़रा सा कंपाइलर के बारे में पढ़ के देखते हैं, डीपली एंड ब्रीफली कंपाइलर को और नज़दीक से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ बताया गया है, अ कंपाइलर इज स्पेशल प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइलर का काम जो होता है वो ये होता है कि आप जो भी सोर्स कोड लिखे हैं, जो भी सोर्स कोड लिखे हैं, उस सोर्स कोड को ये क्या करता है? सोर्स कोड को क्या करता है सर? ट्रांसलेट करता है। उस सोर्स कोड को क्या करता है? ट्रांसलेट करता है ना? यानी जिसको आपने लिख दिया है किस लैंग्वेज का यूज़ करके? हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके जो भी सोर्स कोड आप लिखे हैं उस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है क्या सर? कंपाइलर। किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा। अभी हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इस हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे प्रोग्राम को हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली रीड और एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। वो एग्जीक्यूट या फिर रीड करने के लिए एक मशीन या फिर एक सॉफ्टवेयर का सहारा लेता है, जिस मशीन और सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? कंपाइलर। इसका नाम क्या है सर? कंपाइलर। और उसे ट्रांसलेट करके क्या करता है? मशीन कोड में तब्दील करता है। किस कोड में तब्दील करता है सर? मशीन कोड में तब्दील करता है। जब मशीन कोड में तब्दील कर देता है, बदल देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। यानी पहले जो मैंने टाइप करा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके वो क्या है? सोर्स कोड है। और कंपाइलर का यूज़ करके जब उसको तब्दील कर दिया गया, किस में? ट्रांसलेट कर दिया गया, तो क्या बन गया? वो ऑब्जेक्ट कोड बन गया, है ना? इनटू मशीन कोड, अनदर लोअर लेवल लैंग्वेज, लोअर लेवल कोड। यानी कि हम हाई लेवल में लिखते हैं और कंपाइलर क्या करता है? उसे ट्रांसलेट करके लोअर लेवल कोड में क्या करता है सर? बदल देता है, जिसको हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट भी कर पाता है, आसानी से समझ भी पाता है, राइट ना? यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूट बाय कंप्यूटर। अब जैसे ही वो ऑब्जेक्ट कोड यानी लोअर लेवल कोड में बदल जाता है, कंप्यूटर हमारा क्या करता है? उसे आसानी से रीड कर पाता है या फिर उसे एग्जीक्यूट कर पाता है। क्या कर पाता है? एग्जीक्यूट यानी खोल पाता है, ओपन कर पाता है या फिर रन करा पाता है। एक्चुअली में कंपाइलर का जो खास उद्देश्य होता है, जो पर्पस होता है, पर्पस का मतलब क्या हो गया? उद्देश्य। कंपाइलर का जो भी उद्देश्य होता है वो ये होता है कि कंपाइलर का काम क्या होता है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म यानी जिस लहजे में हम प्रोग्राम को लिखते हैं वो ह्यूमन रीडेबल होता है। कैसा होता है सर? ह्यूमन रीडेबल होता है। अब ह्यूमन रीडेबल का मतलब क्या हो गया? जैसे हम और आप आसानी से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म कहते हैं। तो कंपाइलर का काम क्या है कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से उसे ट्रांसलेट करके किस फॉर्म में बदल दे? जिस फॉर्म में हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली उसे एग्जीक्यूट कर पाए। क्या कर पाए? डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर पाए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कंपाइलर का जो काम है वो क्या होता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देना ट्रांसलेट करके। क्लियर है?
अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या देखा, इंटरप्रेटर। क्या देखा सर? इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर भी बिल्कुल कंपाइलर के तरह ही एक ट्रांसलेशन मशीन है, लेकिन दोनों के काम करने में थोड़ा सा फर्क है, काम करने की प्रक्रिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपाइलर का जो काम होता है वो ये होता है कि वो एक ही बार पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा, एक ही बार में ट्रांसलेट करेगा। वहीं पे इंटरप्रेटर का काम होता है, एंड इंटरप्रेटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटर का भी काम क्या होता है सर? ये भी एक कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है या फिर मशीन है या फिर सॉफ्टवेयर है, जिसका काम होता है किसी भी कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देना। क्या करना? डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना। किस कोड में? ऑब्जेक्ट कोड में, जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ पाए या फिर रीड कर पाए, है ना। आगे बढ़ के देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ अनलाइक अ कंपाइलर। अच्छा, अगर कंपाइलर की बात करी की जाए और इंटरप्रेटर की बात करी की जाए तो दोनों में फ़र्क क्या है, वो यहाँ से बताने का हमने कोशिश किया है। अनलाइक अ कंपाइलर, कंपाइलर के तरह ये काम नहीं करता है। काम करने का जो इसका तरीका है वो क्या होता है, विच ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम। यानी कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इनटू मशीन कोड, किस में? मशीन कोड में, बिफोर एग्जीक्यूशन। यानी कंपाइलर का जो काम होता है, पूरा प्रोग्राम जो मैंने लिखा है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ये ट्रांसलेट कर देगा, किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में या फिर मशीन कोड में, राइट। वहीं पे इंटरप्रेटर की अगर बात की जाए तो ये कह रहा है कि ये कोड को एग्जीक्यूट करता है या फिर कंपाइल करता है, कैसे? लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है या फिर कंपाइल करता है। रन टाइम, यानी रन कराते समय, मतलब प्रोग्राम को जब हम लोग लिख लेंगे तो लिखने के बाद उसे रन कराना पड़ता है। तो जैसे हम लोग रन कराने जाएंगे तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम के एक एक लाइन को क्या करेगा सर? ट्रांसलेट करेगा। प्रोग्राम के एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, और कंपाइलर क्या करेगा? एक ही बार में पूरे लाइन को ट्रांसलेट करता है। बस कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में फ़र्क इतना ही होता है, काम दोनों का ये होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देना, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देना। एंड वहीं पे इंटरप्रेटर, अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर अपने आप को कंपाइलर से अलग ऐसे बताता है कि हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं, कंपाइलर एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। एक छोटा सा डायग्राम दे देते हैं हम लोग। क्या देते हैं सर? एक छोटा सा डायग्राम दे देते हैं। हमने क्या बताया था कि जो हम लोग टाइप करते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सोर्स कोड कहा जाता है। और ये सोर्स कोड हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली रीड नहीं कर पाता। कर पाता है क्या? तो जब ये डायरेक्टली रीड नहीं करेगा तो बीच में इसे ज़रूरत पड़ेगी किसकी? कंपाइलर की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी सर? कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर इंटरप्रेटर की। यहाँ पे कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर कुछ भी लिखा जा सकता है। तो जब ये सोर्स कोड कंपाइलर के पास पहुँचता है तो कंपाइलर क्या कर देता है उसको? बोलिए। ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील कर देता है। लेकिन ड्यूरिंग कंपाइलिंग और ड्यूरिंग इंटरप्रेटिंग, ये आपके प्रोग्राम में से बग ढूंढता है। क्या ढूंढता है सर? बग यानी एरर ढूंढता है। अगर आपके प्रोग्राम में किसी प्रकार का एरर आ गया, क्या आ गया? एरर आ गया, तो ये इसे डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं करेगा। अगर आप जो सोर्स कोड लिखे हैं तो क्या होगा? पहले कंपाइल होगा। कंपाइल होते वक्त जैसे एरर आया तो नीचे आपको क्या दे देगा? एक एरर दिखा देगा, कहेगा कि नहीं, आपके सोर्स कोड में कोई एरर है, इसे ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। जैसे ग्रामर, आप किसी को कुछ बोल रहे हो इंग्लिश में, है ना, और सामने वाला इंग्लिश को नहीं समझता, बीच में ट्रांसलेटर है, तो आप जब बोलोगे ग्रामेटिकली मिस्टेक बोलोगे तो बीच वाला कैसे समझा पाएगा? ग्रामर मिस्टेक रहेगा ना, खुद वो नहीं समझेगा बोल क्या रहे हो आप। उसी प्रकार से आपका मशीन यानी आपका जो कंपाइलर है वो भी नहीं समझ पाएगा कि तुम कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। ये कौन बोलेगा? कंपाइलर बोलेगा, जो कहना चाहते हो हमको समझ में नहीं आ रहा, उसमें कुछ एरर आ रहा है, पहले इसको ठीक करो, फिर बाद में हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। समझ में आया? जो प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे वो सोर्स कोड है,
सोर्स कोड क्या किया जाएगा, कंपाइल किया जाएगा कंपाइलर के द्वारा, एंड कंपाइल होने के बाद क्या मिलेगा हमको, ऑब्जेक्ट कोड मिलेगा। लेकिन ये प्रक्रिया होते समय पहले वो चेक करेगा कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है, जो सोर्स कोड लिखा है, उसमें कहीं कोई एरर तो नहीं है। अगर उसमें एरर होगा तो यहाँ पे आपको एरर दे देगा, एरर नहीं होगा, एरर फ्री होगा तो आपके सामने वो ऑब्जेक्ट कोड दे देगा, यानी उसे कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा इनटू ऑब्जेक्ट कोड। इनफ फॉर टुडे।